गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूं जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 25 जून 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। यह क्या है, ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व तो कौन करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको पता है ओलंपिक होना है और ओलंपिक के अंदर जो मेल हॉकी टीम का कैप्टन बना है वो कौन है, मनप्रीत सिंह। और अगर आपसे पूछे फीमेल का कौन है तो रानी रामपाल, तो इनका नाम याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य ने स्कूली छात्रों को यौन शोषण से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है, अच्छा कदम है। अभी बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जब से लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है भारत ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये हमने फिजी के साथ किया है। अगर आपसे पूछा जाए फिजी कहाँ पर है, तो फिजी जो है वो पैसिफिक ओशन में है, और आप जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को देखते हो ना उसी के उत्तर में आप देखोगे तो आपको ये कंट्री दिख लेगी, बहुत छोटी सी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये क्या है, ये है आपका जनजातीय मंत्रालय के मंत्री, जनजाति मंत्रालय किसके पास है, अर्जुन मुंडा जी के पास है, ने किस संगठन के सहयोग से आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च शुरू किया है, तो ये किसके साथ किया है, हमने UNDP के साथ किया है, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यह क्या है, किस राज्य ने दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है, तो कहाँ पे लगाया गया है ये, तो ये असम के गुवाहाटी में लगाया गया है, इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए असम की कैपिटल क्या है तो दिसपुर है, गुवाहाटी मत मार करके आइएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं गुवाहाटी है, बट नहीं दिसपुर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधा शुरू की है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है, ये उड़ीसा के अंदर शुरू किया गया है। अभी उड़ीसा में एक और पॉइंट आपको देखने को मिला, याद रखिएगा उड़ीसा में ही अभी आपको ऑपरेशन ओलिविया देखने को मिला, ठीक है, ओवेलेबल टर्टल जो होते हैं तो उनके उनको संरक्षण करने के लिए ये कदम उठाया गया। साथ ही साथ भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर ये तीनों प्रकार के प्रजाति के जो वो मगरमच्छ होते हैं ना क्रोकोडाइल, वो कहाँ पे मिलते हैं, उड़ीसा में ही मिलते हैं, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। थ्री टाइप के जो क्रोकोडाइल होते हैं आपको वो कहाँ मिल रहे हैं, वो आपको उड़ीसा के अंदर ही मिल रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये क्या है, निष्ठा किसकी पहल है, तो निष्ठा जो है वो NCERT की पहल है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब NCERT मालूम ही है क्या होता है, अब ये जो निष्ठा था इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सके आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। नेक्स्ट है क्या, वर्चुअल वाटर क्या है, तो ये क्या है वर्चुअल वाटर, यह है आपका खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी को कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए आज के लिए, जो अगर पूछा जाए मुझसे ना तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, किस देश ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम और टेलीविज़न शो में LGBT कंटेंट पर रोक लगा दिए, तो कहाँ पे किया गया, ये हंगरी में किया गया है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे न्यूज़ को स्प्रेड नहीं होना चाहिए इनका मानना है, और इस तरह के में शो जो होते हैं वो सब इनमें शामिल करें ये भी नहीं सही। अभी ट्रांसजेंडर ऐसे की बात की जाए, जैसे एल से हो गया आपका लेस्बियन, जी से हो गया गे, ठीक है, इस तरीके से इनका पूरा है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों को की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है, तो 10 करोड़ रुपए सोचिए लग रहे हैं, अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेयर्स भी हैं जो कि ओलंपिक जीते, कई सारे मेडल्स लेकर आए, लेकिन आज उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है, उस पर कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। खैर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ये क्या है,
अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इम्पोर्टेंट है, अभी अमेरिका के जो बाइडन अंकल और रूस के व्लादिमीर पुतिन दोनों मिलकर एक जगह मीटिंग किए, इनका मीटिंग हुआ एनुअली, और ये कहाँ हुआ? जिनेवा। जिनेवा किसकी कैपिटल है? स्विट्जरलैंड की, याद रखिएगा ठीक है। और जिनेवा में तो बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी हैं। चलिए कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा लिस्ट दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने शिक्षण प्रबंध प्रणाली शुभ आरंभ किया है? तो कहाँ पर शिक्षा प्रबंध प्रणाली यानी टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। शायद मुझे लगता है आप सबको जो हैंड राइटिंग होती है ना, शायद उससे आपको मज़ा नहीं आता, आपको वो जो आजकल जो सारे यूट्यूबर्स होते हैं वो जो टाइपिंग करके लेकर आते हैं, पीडीएफ टाइप का बना के ले आते हैं, वो ज़्यादा आपको अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलती है। बट मेरा मानना है कि न्यूज़ आपको कहीं से भी ऑथेंटिक मिल रही है उसको आपको देखना, शेयर और कमेंट जरूर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, मुझे भी प्रमोट कीजिए, आपके साथ की मुझे ज़रूरत है। ऐसे ही अगर आप लोग करोगे तो फिर शायद मैं बंद कर दूँ इसको। थैंक यू एस्पिरेंट।